अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यानी ग्लाइकोजन जो है वो किस तरह बनती है बॉडी में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन होता क्या है। अच्छा, जो ग्लाइकोजन है इसको कहते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक हो गया। अच्छा, ये कहाँ पर स्टोर होता है? ये स्टोर होता है लिवर में, ठीक है, प्लस मसल्स में, ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ पर स्टोर होता है? जो ग्लाइकोजन है स्टोर होता है लिवर में और मसल्स में, ठीक हो गया। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की, कि किस तरह ग्लाइकोजन जो है वो बनता है। अच्छा, इनको समझने के लिए ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को पाथवे, यानी जो इसकी जो पूरी साइकिल है इसको समझने के लिए सिर्फ एक फार्मूला याद रखें, ये वर्ड याद रखें कि GUG, ठीक है। इधर जी का भी स्केयर कर लें, इस जी का भी स्केयर कर लें, मतलब पहले दो प्रोडक्ट जी से बनेंगे, दरमियान में एक यू वाला प्रोडक्ट आएगा, फिर मतलब दो जी से काम बनेगा, ठीक है। और पहले दो स्टेप में इंजाइम काम करते हैं, उन इंजाइम को याद रखने के लिए बस GM का वर्ड याद रख लें, बस इतनी सी बात है, बस समझ लें, हो गया। अच्छा, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है अब वो करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मतलब जो रिएक्टेंट जिसे हमने काम चलाना है वो होता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से ही बनना है ग्लाइकोजन ने, ठीक है। अब ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है, हमने कहा पहले वाले दो जी से होंगे, ठीक है, एक जी आ गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ये तो ग्लाइकोलाइसिस का भी स्टेप है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पर जो इंजाइम काम करता है उस इंजाइम का नाम क्या है? आपने ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा था, बहुत आसान बात है, इसको जो इसका जो पहला इंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज यहाँ पर एक्ट करता है। हमारा पहला जी कंप्लीट हो गया, एक जी ये हो गया, एक जी ये हो गया, ये बात ख़त्म हो गई। अब क्या होता है कि अगले स्टेप में जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये जाता है यहाँ पर, इसको मिल जाता है, ठीक है, अब हमने यू वाला प्रोडक्ट बनाना है ना, तो यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट इसके साथ मिल जाता है, यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और बन जाता है UDP ग्लूकोज। देखे ना, यहाँ पर यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट था, तीन फॉस्फेट थे, अब यहाँ एक फॉस्फेट यूज होगा और बचेगा क्या? UDP ग्लूकोज, ठीक है, यूरिडीन डाई फॉस्फेट, यानी डाई का मतलब दो, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज, यूरिडीन डाई फॉस्फेट ये बन गया। अब क्या होता है कि इस स्टेप में जो इंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है, इस स्टेप में जो इंजाइम काम करता है उस इंजाइम का नाम है फास्फो ग्लूको म्यूटेज, या जस्ट म्यूटेज बोलते हैं, एम मैंने जो लिखा है, ठीक है, फास्फो ग्लूको ग्लूको म्यूटेज, या सिर्फ म्यूटेज कर लें, ठीक है, मैंने GM इसलिए लिख दिया, ग्लूकोकाइनेज है, एक म्यूटेज है, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। यूडीपी ग्लूकोज जैसे ही अगले स्टेप में जाएगा तो यहाँ बॉडी में पड़ा हुआ इसको एक अमाइनो एसिड मिलेगा, ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। अब हम इसकी सिंपली अगर ये देखें कि इसकी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप होता है ना, अब यूडीपी ग्लूकोज जो है इसके OH वाले पार्ट में आके मिलेगा और बन जाएगा ग्लाइकोजन प्राइमर, ग्लाइकोजन प्राइमर, ठीक हो गया। दोबारा देखें क्या स्टेप बना था ये, अब यूडीपी ग्लूकोज जो बना था अब इसने बॉडी से ग्लाइकोजेनिन जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है
हमने एक ये इमेजिन कर लिया कि अमाइनो एसिड्स में वाकई जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में यूडीपी ग्लूकोज आके अटैच हो जाएगा इसके OH वाली जगह पर, और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ग्लाइकोजन प्राइमर। ठीक हो गया, ग्लाइकोजन प्राइमर जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। हमारा फार्मूला फिट हो गया, जी ये 2G हो गए, ये U हो गया, ये 2G हो गए, मतलब हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो आ चुके हैं। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मज़ीद ग्लाइकोजन को हम अगर डीपली देखें तो आपको पता है कि ग्लाइकोजन में मज़ीद मुख्तलिफ चेंजिंग आएगी बॉडी में, इलोंगेशन फेज कहते हैं इसको, ठीक है, इलोंगेशन। फिर उसके बाद इसकी ग्लाइकोजन तो बन गया, लेकिन ग्लाइकोजन में मज़ीद ब्रांचिंग होगी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लाइकोजन ब्रांचिंग। बाकी जो है मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस आने की वजह से ग्लाइकोजन में मुख्तलिफ ब्रांचेस बनेंगी, क्योंकि ग्लाइकोजन तो दो तरह का होता है ना, ठीक है, ब्रांचिंग भी होती हैं, अनब्रांचिंग भी होती हैं। बाकी बॉडी का काम है कि इसको किस तरह बॉडी ब्रांचिंग में तब्दील कर देता है, लेकिन हमारा जो मेन काम था ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज़ होल अबाउट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। देखिए हमने किस तरह किया, हमने पहले आपको बताया था कि इसको फार्मूला को याद रखने के लिए जी यू जी, मैंने जी कब स्केयर है, दूसरे जी कब स्केयर है, और बाकी हमने एज इट इज़ आप लोगों को बता दी है। सो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यहाँ पर एंड हो जाता है।